सो हे गाइस, वेलकम टू जून ईयर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने बर्ड्स का खूब अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके अपनी लव बर्ड कॉलोनी के ऊपर, जो मैं काफ़ी टाइम बाद ला रहा हूँ। और इसमें आज का टॉपिक हमारा होने वाला मटकियाँ लगाने के ऊपर। और ये मैंने ऑलरेडी मटकियाँ लगाई हुई हैं और नेस्टिंग भी कर दी, क्योंकि मैं जो ये वीडियो है ये पहले शूट कर चुका था, लेकिन मैं उस टाइम अपना इंट्रो शूट करना भूल गया था, इसलिए मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपना इंट्रो शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम अपनी लव बर्ड्स की नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है नेस्टिंग करने का, और ईजी वे कौन सा हो सकता है। और इस वीडियो के लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो एकदम ही कॉस्ट फ्री है, और मैं उसे पहली बार ट्राई करूँगा, इसलिए मैं उसको आपके लिए रिकमेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे लास्ट वाली ब्रीड में मैंने ये जो आपकी स्क्रीन पर मटेरियल दिख रहा है ये यूज़ किया था, और इस बार मुझे ये किसी वजह से मिल नहीं पाया है, इसलिए मैंने ये मटेरियल यूज़ किया है। अब चलिए देखते हैं इनमें क्या रहता है, कैसे ब्रीड आती है। अगर सही होती है तो ठीक है, पूरा सीज़न यही मटेरियल चलेगा। अगर नई ठीक ब्रीड आती है तो सीज़न के बीच में मटेरियल चेंज कर दिया जाएगा, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो उससे मेरा क्या फ़ायदा? तो आप चलिए पूरी वीडियो आप देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और साथ ही में वीडियो को लास्ट तक ही ज़रूर देखिएगा और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी भाई लव बर्ड्स के लिए मैं ये नेस्टिंग मटेरियल ले आया हूँ, और इस बार इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा रहता है ये। और इसमें मेरा कोई भी पैसा नहीं लगा है, फ्री में मेरे बैकयार्ड में ये घास लगी हुई थी, इसको मैंने निकाल लिया और सुखा लिया है अच्छे से, और आप देख सकते हैं अच्छे से सूख गई है ये। अब इसी को हम लोग छोटे छोटे पीसेस काटेंगे, और लगभग आधे आधे फिट के 6-6 इंच के पीसेस, इतने बड़े बड़े स्ट्रॉज इसके काट लेंगे, फिर इसको हांडी में रख के नेस्टिंग कर देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए अब इसको नेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए भाई, मैंने फुल लेंथ की घास ले ली है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको छोटा करके कैसे काटना है। तो हम इसे यहाँ से ऐसे मोड़ लेते हैं बराबर से, एक हाथ से बन नहीं रहा, ओके चलिए कोशिश करता हूँ, ऐसे मोड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आरी से इसको कट कर देंगे। तो चलिए काटने के बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी ये मटकी देखिए दोस्तों, अभी इसमें हम अभी ये खाली पड़ी है पूरी, इसमें एक पेड़ जा रहा है, और मैंने यहाँ पे ये घास भी छोटी छोटी कर ली है, और अभी आपको दिखाता हूँ कि नेस्टिंग कैसे करनी है। तो ये देखिए, मैंने ये थोड़ी सी घास ले ली है, इसको हम ऐसे लगाएंगे, इसको आप मटकी नीचे रख के करिएगा, मेरी ये टंगी हुई थी और काफ़ी अच्छे से मैंने लगा दी थी, इसलिए मैंने उतारी नहीं, और मैंने सोचा कि ऐसे ही लगे लगे बना देते हैं। तो इसको हम अंदर कर देते हैं अच्छे से, और दूसरा वाला बंडल भी उठा लेते हैं। ये ऐसे अच्छे से अभी इसको अंदर से पूरा गोल ऐसे करके ऐसे से घुमा देंगे हम लोग, और अपनी तरफ से 100% इसको परफेक्ट बना देंगे, बाकी वो जो पेयर अंदर रहेगा वो अपने आप सेट कर देगा इसको। चलिए नेस्टिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल कैसी लग रही है मटकी। तो अभी भाई हम लोग की नेस्टिंग हो गई है कंप्लीट, और आपको दिखाते हैं मटकी का फाइनल लुक। ये देखिए कुछ ऐसी लगेगी हमारी मटकी, ऊपर से दिखाते हैं, ये पूरी ऐसे कंप्लीट हो गई है, वो पूरा अंदर से पूरी जगह है, और बाकी जो बर्ड जब बैठेगा वो अपने आप पूरा सेट कर लेगा। और जितना मेरे से हो पा रहा था मैंने बना दिया है, और मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है ये, और बाकी अब बाकी तो बर्ड्स के ऊपर है कि बर्ड्स इसको कैसे देखते हैं कैसे रखते हैं। तो फिर जब अंडे आते हैं तो फिर तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी। चलिए फिर बाकी मटकियों में भी नेस्टिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।